चुनाव रहते भी बोलते हैं रोजगार देंगे, जब आती है ना रोजगार देने के बाद तब छुप जाते हैं कहीं। ऐसा कोई नेता छूटा हो बीजेपी का जिनके पास हम लोग ने नहीं गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई इलेक्शन में बिजी है, कोई यहाँ बिजी है, कोई वहाँ बिजी है। पुलिस बोल रही है यहाँ कोरोना चल रहा है 144 है, फिर भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, तो अब ऐसे भी कैसे भी एडजस्ट करेंगे, पुलिस बोलती है तो बोलने दो, हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो स्थापना दिवस देख ही रहे हैं, उनके पास अगर समय होगा, अगर करने का मन होगा तो वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना बहाना कि हमारा ये है वो है, तो इसी बहाने में वो इधर टाल मटोल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाल इंडिया, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और आपको बता दूं कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों पे कोरोना गाइडलाइंस के माध्यम से और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तमाम कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, लेकिन लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया जिस मुद्दे को उठा रहा है, जी हाँ, वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 का मुद्दा, जिसको लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार इनकी बात जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हम देश की रक्षा के लिए लगातार तत्पर हैं। आपने देखा था कि दो दिन पहले की बात है, या फिर मैं कहूं कि कल की भी बात है, कितने सारे जवान जो हैं शहीद हुए हैं नक्सल हमले में। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की अभ्यर्थी, जिन्होंने वर्दी पहनने के लिए एक एग्जाम दिया, मेडिकल फिट रहे पूरी तरीके से, लेकिन इन्हें जॉब नहीं दिया गया, रोजगार नहीं दिया गया, वर्दी नहीं दी गई। इनका ये मानना है कि अगर हमें वर्दी दी जाती तो ऐसे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ही हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि इन पूरे टॉपिक्स पर इनका क्या कहना है बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर। और दिल्ली में आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है, जो कि 10 बजे से शुरू होगा और 5 बजे खत्म होगा। ऐसे में लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, भगवान भरोसे रहेंगे, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। आप बताइए कि आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और तमाम तरीके के कार्यक्रम रखे हुए हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि हम कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो ये कहते हैं कि हम युवाओं को लेकर लगातार प्रेरित हैं, देश की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा मुझे तो, हम दो महीने से रोड दिल्ली के सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई अनुभव फीलिंग ही नहीं आया कि ये युवा के लिए कुछ कर रहे हैं या युवा के बारे में सोचते भी है। अगर जो सोचते तो हम लोग को जितना कष्ट हो रहा है दिल्ली पूरे दो महीने में, हमारे साथ आप देख रहे हैं लड़कियां भी साथ में हैं, इतना कष्ट हम लोग झेल रहे हैं, और उसके बाद भी उनका ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा कोई नेता छूटा हो बीजेपी का जिनके पास हम लोग ने नहीं गया हो। हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई इलेक्शन में बिजी है, कोई यहाँ बिजी है, कोई वहाँ बिजी है। और आज सारे जो ये बीजेपी दफ्तर में आकर ये कोरोना गाइडलाइन के बारे में जो नए नए ये नीति बता रहे हैं, अपना अपना बड़ा शुभ समाचार दे रहे हैं, तो इनको ये आज कैसे इनको टाइम मिल गए अपने बीजेपी दफ्तर में आकर बीजेपी का मतलब उत्साह ये जो उनका जो भी है। तो उनके लिए तो त्यौहार जैसा है ना, उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। हाँ तो मैम, उनके लिए त्यौहार है, क्या हम लोग के लिए त्यौहार नहीं हो सकता था होली, जो कि हम लोग दिल्ली के सड़कों पर मनाए, और हम लोग का कोई ऐसा जगह नहीं है कि मतलब हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं, कभी पार्क में सोते हैं, कभी फुटपाथ पे सोते हैं, और हम ही नहीं हमारे साथ लड़कियाँ भी सोती है। तो ये कौन से युवा को उत्साहित करना चाह रहे हैं या कौन सा सपोर्ट दे रहे हैं? ये दो दिन पहले छत्तीसगढ़ में नक्सल हमला हुआ था बीजापुर में, जिसमें करीब 22 से ज़्यादा जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और कई ऐसे हैं जो अभी भी जख्मी हैं, और जिनमें से कुछ ही जो नक्सलवादी हैं वो ढेर हुए हैं। आप लोगों के, आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने जब इस पर आप लोगों से बात की तो आप लोगों का ये कहना था कि इसी वजह से हम सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी दुख की घड़ी देश पर आती है तो उसके लिए कितने तैयार हैं आप, वर्दी मिले चाहे ना मिले? मैम, वर्दी मिले या ना मिले, हम लोग जब तक सांस है तब तक हम अपने देश के लिए खड़ा रहेंगे। और मैम, ये जो देश के लिए हम लोग का ये फोर्स फौज में जाने के लिए, वहाँ पर मैम एक कसम खिलाई जाती है, हवा पानी और वायु, को कितना भी आ जाए आपको उसमें मतलब कष्ट आपको वो फाइट करना ही है। जब हम लोग फौज में जाने के लिए वो पूरे जो भी उनकी समस्या है, हर चीज़ हम लोग मतलब अपने जहन में बसा चुके हैं कि कोई भी मुसीबत आ जाए हम लोग झेल लेंगे। और ये मैम नक्सलवाद जो हमारे सैनिक के साथ, जो फौज के साथ हुए,
ये तो बहुत दुखद की बात है। मैं इससे हमारे नौजवान का हौसला नहीं टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने देश के देशवासियों को, चाहे मुझे जॉब लगे या ना लगे, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा अपने देश के लिए। देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा आपके सहयोगी ने कि हम पूरी तरह से तत्पर हैं अपनी ड्यूटी को लेकर भी, अगर हमें वर्दी मिलती है तो, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि इतने जवान जो हैं शहीद हो गए। इससे पहले 2019 की मैं बात करूं तो पुलवामा हमले में कितने हमारे जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में देश को चाहिए कि देश का युवा जो है अब वर्दी पहनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, इतना ताकतवर हो कि दुश्मन देश उनसे डरे और नक्सलवाद जैसे जो लोग हैं जो नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं वो भी डरे। तो ऐसे में क्या आपको नहीं मानना चाहिए कि सरकार को अब आवाज़ आपकी सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो नई वैकेंसी इन्होंने निकाली थी उसको अभी बहुत टाइम लगेगा। हम लोग तो फिट है, हम लोग को लेंगे तो उनका भी सैनिक का भार है जो कम हो जाएगा, पहले से ही सैनिक कम है देश में, तो हम लोग को ले गए तो ऐसे ही सैनिक बढ़ जाएंगे। जो हमला हो रहा है भारत देश पे, अभी जो हमला हो गया छत्तीसगढ़ में, वो भी शायद हम लोग रहते तो होता, लेकिन इतने लोग तो नहीं मरते, हम लोग की पहले से ही संख्या कम है, वो नक्सल लोग ज़्यादा रहते हैं, फिर हमला हो जाता है, हम लोग को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है फायरिंग करने के लिए, उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं तो उन लोग की हिम्मत नहीं होती हम लोग को अटैक करने में, तो हम लोग कम संख्या में है, इन लोग की हम हिम्मत हो रही है कि हम लोग को मारे। जो अभी सेना में पद खाली है तो 111,000, तो 111,000 पद भर देते वो तो हम लोग की संख्या बढ़ जाती, वो दुश्मन देश हमारे ऊपर अभी नज़र उठा के नहीं देखता, तो हम लोग फौज ज़्यादा होती तो ऐसी बात है। और आपसे पूछना चाहूँगी कि दिल्ली में आज से 10 बजे से रात के और सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, आपके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना रहने के लिए कोई जगह है, आप इस पार्क में या फिर सड़कों पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन रात के वक्त हवाला दे दिया जाएगा कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, आप यहाँ से जाइए, तब आपके पास क्या ऑप्शन होगा? मैडम, ऐसा तो पहले हम 2 महीने से आए तब से पुलिस बोल रही है यहाँ कोरोना चल रहा है 144 है, फिर भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, तो अब ऐसे भी कैसे भी एडजस्ट करेंगे, पुलिस बोलती है तो बोलने दो, हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, 2 महीने से तो कर ही रहे हैं, रात का देखेंगे कहाँ जाएंगे। लेकिन लड़कियाँ भी आपके साथ है ना, तो लड़कियों के बारे में भी आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है आपके साथ है तो। हाँ, लड़कियों के बारे में तो सोचते हैं हम, पहले उनका इंतजाम करेंगे फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। इंतजाम कैसे होगा देखें, हम जब वक्त आएगा तब देखेंगे कहाँ एडजस्ट हो जाता है। आज कहाँ कहाँ गए आप और अब आगे क्या रणनीति है, क्योंकि 2 तारीख से पहले आपने बताया कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता कोई विपक्ष। मैम, आज हम विजय चौक गए थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो खबर है जो हमारा बात है वो नेशनल मीडिया पे चले, तो एक मैडम ने, हमारी बिहार के ही है मैडम, वो बोली है कि हम आप लोगों के पास आएंगे, आपका खबर कवर करेंगे और दिखाएंगे, तो वहीं हम विजय चौक गए थे ताकि और लोग भी मिल सके, ताकि 5 मिलेंगे तो शायद एक भी तो दिखाएंगे, इसी प्रयास में हम विजय चौक गए थे। तमाम नेताओं के दरवाजे आप खटखटा रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है? देखिए, आप लोगों ने विपक्ष के नेताओं से भी बात की है, विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं? उनके पास तो ये अच्छा खासा मुद्दा है सरकार को घेरने का। मैडम, विपक्ष के नेता के पास गया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, तो वो बताए थे कि हम लोगों ने तो हमको मौका ही नहीं दिया है कि विपक्ष में हम खड़ा होकर बोल भी सके, तो हम लोग बोले कि हाँ ऐसा तो है, पर पक्ष विपक्ष सब नेता के पास गए, किसी ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास हम लोग नहीं गए, सबका रिसीविंग हमारे पास है, लेकिन हमको अभी कोई अभी रिप्लाई नहीं मिला है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ऐसे लोग बता रहे हैं कि 2 मई के बाद ही रिप्लाई आएगा, तो उतना दिन तो हम लोग इंतज़ार क्या करेंगे, अभी तो स्थापना दिवस देख ही रहे हैं, उनके पास अगर समय होगा अगर करने का मन होगा तो वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना बहाना कि हमारा ये है वो है, तो इसी बहाने में वो इधर टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, सभी बड़े बड़े नेता आए होंगे, वैसे हमारी भी मामला को वो देख सकते हैं, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे हैं, अब देखते मतलब जानबूझ के नज़रअंदाज जो है इस मुद्दे को किया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्योंकि सरकार ये कह रही है, देखिए सरकार तो कुछ कह ही नहीं रही है, सरकार के तो मुंह बंद है, लेकिन SSC की तरफ से ये कहा गया है कि ये मुद्दा जो है वो गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्री जो चाहेंगे वो हो सकता है, गृह मंत्री तक क्या ये बात नहीं गई होगी, क्या SSC द्वारा नहीं पहुंचाई गई होगी, क्या ऐसा हो सकता है?
मैडम देखिए, कोई भी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ लॉक बुक होता है, लॉक बुक होता है, उसमें कुछ भी आप दोगे तो वहाँ मेंटेन होता है, तो उसको कोई ना कोई तो देखता ही होगा। ऐसा थोड़े है कि गृह मंत्री देखेंगे, तो गृह मंत्री में ऐसा थोड़े होता है कि गृह मंत्री ही काम करेंगे, उनके नीचे वाले सारे काम, हमारा इतना बड़ा काम नहीं है कि गृह मंत्री देखेंगे तो काम होगा, नीचे वाले भी काम कर सकते हैं, लेकिन वही होता है ना, काम करने का मन ही नहीं होता है तो फिर कहाँ से करेंगे हमारा काम, यही बात। चलिए आप बताइए कि आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है जो कि सुबह 5 बजे तक रहेगा और ये 30 अप्रैल तक के लिए है, मतलब 30 अप्रैल से पहले रात में कोई भी ऐसे ही बाहर नहीं घूम सकता है, चाहे मास्क लगा हो चाहे ना लगाओ, वो मैटर नहीं करता है। आप लोग क्या इतने दिन तक यहाँ आसानी से रुक पाएंगे, क्या इतनी सुविधा आप लोगों को मिल पाएगी, क्या रहने खाने की जगह है आप लोगों के पास? इतने दिन के बाद कहें सुविधा के, सुविधा तो खुद हम लोग खुद अथ करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का सरकार या यहाँ का पुलिस प्रशासन हम लोग को सुविधा कोई प्रदान कर रहे हैं यहाँ। और बात है रहने की, तो रहने की जिस तरह से अभी तक रहते आए हैं उसी तरह से रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, और उसके बाद जब पुलिस आएंगे उसके बाद जो होगा वो पुलिस को बोलेंगे कि हम लोग को रहने का कुछ साधन दीजिए, वहीं ना रहेंगे, नहीं हम लोग कहीं यहाँ कोई मकान है, इतना तो पैसा है नहीं कि होटल में जा कर के रहेंगे। रहने का साधन पिछले दो महीने से आप रह रहे हैं, पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है ना कुछ किया गया है, तो अब आगे उम्मीद है कि पुलिस ऐसा कर सकती है? आगे उम्मीद किससे उम्मीद रखे, जिससे उम्मीद रखते हैं वही उम्मीद तोड़ देते हैं, तो उम्मीद किससे रखे, बस अपने आप पे ही उम्मीद है जी, खुद पर उम्मीद है। और इसी बलबूते पे ये जो इनका प्रदर्शन है या आंदोलन है या फिर हम कहीं शांतिपूर्वक आंदोलन है, वो चला आ रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मनोबल इनका अब भी नहीं टूटा है, लेकिन मनोबल कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका संख्या बल जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप एक लड़की हैं या मैं कहूँ एक महिला हैं, आप शादीशुदा हैं, परिवार छोड़ के रहे यहाँ आई हैं, 2 महीने ज़्यादा का वक्त हो गया है, आगे अब नाइट कर्फ्यू की बात लगातार सुन रही है दिल्ली में, तो क्या घर जाने की प्लानिंग है? घर तो हम जाएंगे नहीं मैम, जब तक हमारा काम नहीं होता, जब तक हमारा जॉइनिंग लेटर नहीं मिल जाता, हम घर नहीं जाएंगे। कहाँ रहेंगे? यहीं कहीं रहने का सुविधा कर लेंगे, ऐसे भी तो 2 महीना हो गया है यहाँ रह रहे हैं, कहीं सड़क पे कहीं पार्क में जाके रह रहे हैं, ऐसे ही और आगे सुविधा कर लेंगे हम। सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? सुरक्षित महसूस नहीं करते फिर भी क्या करेंगे मैम, हम लोग का घर क्या मुँह लेके जाएंगे घर में, इतना दिन हो गया अभी और घर में जाके क्या बोलेंगे कि जॉइनिंग नहीं मिला। परिवार से बात हो पाती है? जी हाँ परिवार से तो बात। क्या कहते हैं परिवार वाले आप लोगों के लिए? रहने के लिए जगह नहीं है, आप लोग गुरुद्वारे में रहती हैं, कभी कहीं रहती हैं, कभी आप पूरा दिन पार्क में बिता देती हैं, कब तक? गर्मी भी बढ़ रही है। हाँ बोलते हैं कि घर आने को तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अपने हक के लिए लड़ो, जितना दिन हो सके उतना, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता तब तक अपने हक के लिए लड़ो बोलते हैं। चलिए आपने सुना कि देश की बेटी का जो परिवार है वो कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो, ये देश की विडंबना है कि देश में बेटी को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, रोज आवाज उठानी पड़ रही है, 2 महीने से सड़कों पर रहना पड़ रहा है, पार्क में सोना पड़ रहा है, नंगे पैर घूमना पड़ रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कभी गुरुद्वारे में खा लिया कभी मंदिर में खा लिया। अब अंदाजा लगाइए कि आप उस देश में रहते हैं जहाँ महिलाओं को देवी कहा जाता है, और अभी देखिए कुछ दिनों बाद ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, पूजा जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, उस देश की बेटी ऐसी भी है जिसकी स्थिति ऐसी है, आप देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, ये बेटी है और ये पिछले 2 महीने से लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, और सिर्फ इसलिए देखिए एसी में बैठकर कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोली चलाने के लिए, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही है। देखिए देश की बेटी है, आगे नवरात्रों का त्यौहार है, लोग बहुत अच्छे से कन्या पूजन करेंगे मनाएंगे, और उनमें से कुछ नेता भी हैं जो ऐसा करते हैं, उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है, बोलते हैं सिर्फ, चुनाव रहते भी बोलते हैं रोजगार देंगे, जब आती है ना रोजगार देने के बाद तब छुप जाते हैं कहीं, सब बस वही चालू रहता है, सिर्फ बोलते हैं कुछ करते नहीं है, बोलते रहते हैं, करते तो हम यहाँ पे नहीं होते, रोड पे नहीं होते, क्योंकि क्वालिफाइड होने के बाद भी हम रोड पे भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ बैठते हैं, हमें कई सुविधा नहीं है रहने की, दिल्ली में तो वैसे ही जगह नहीं है, दिल्ली पुलिस हमें नहीं बाहर ही करती है, घर पे जाओ बोलते, तो यही संविधान है कि हमें हक नहीं मिल रहा है, हमें कहीं भी जाओ तो हमें बोल रहे कि जाओ तुम यहाँ से, यहाँ पर धारा लगी है, बैठने नहीं देते, परमिशन नहीं मिलती, एक दिन बैठो बोलते, चार घंटे में क्या होगा, कहाँ तक बात पूछेंगी, ये तो सब बिजी है चुनाव में, कोई बात नहीं सुनता, और सेकंड बात तो नेशनल मीडिया भी नहीं सुनती, हम बात करते उनसे कि हमसे बात करो, हमारा मुद्दा दिखाओ, तो बोलती कि नहीं हो सकता ये ऐसा वैसा, सबसे बड़ा स्तंभ है वो नेशनल मीडिया है,
जो सबको बताते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो देश में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है कि यहाँ रोजगार नहीं है, सब क्वालिफाइड होने के बाद भी रस्ते पे है। विपक्ष में कई ऐसी महिला नेता हैं जो बेटियों के लिए आवाज उठाती हैं, उनमें से एक नाम है प्रियंका गांधी का, क्योंकि मजबूत विपक्ष है कांग्रेस और काफी सालों तक इन्होंने राज भी किया है। क्या प्रियंका गांधी को इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही या दिखाई नहीं दे रहा, या ये लोग उन तक नहीं पहुंच पाए, या बात उन तक नहीं पहुंच पाई है? जब NSUI तक पहुंच गई है तो उम्मीद हम करते हैं कि कांग्रेस तक भी पहुंच गई होगी, लेकिन जानबूझकर बात नहीं सुनी जा रही है। आप ये बताइए कि आप प्रियंका गांधी के पास क्या गई हैं, प्रियंका गांधी तक आप लोग पहुंचे हैं क्या, अपनी बात रखी है? कांग्रेस ऑफिस गए थे, वहाँ पे बात रखी थी हमारी, पर कुछ हुआ नहीं। सिर्फ NSUI ऑफिस गए थे, मतलब उनके तक हमारी बात पहुँची है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं वो। उनका फायदा हो तभी कुछ सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। अब हमें उनका कुछ फायदा नजर नहीं आता है, इसलिए हेल्प नहीं करेंगे। सभी ऐसे करते, ये नहीं कि कांग्रेस, सभी विपक्ष पार्टी वो भी ऐसे करते। हमने सबको मेमोरेंडम दिया, कोई हमें सीरियस ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि उन पर आता है रोजगार रोजगार दो, बस यही प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे कोई नहीं सुन रहा है। तो आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज BJP स्थापना दिवस मना रही है और लगातार सरकार को कोस रही है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन आज देश की बेटी को सरकार नहीं देख रही है। हाँ, सरकार तो वैसे नहीं देख रही, मनाओ। अभी हम तो रास्ते पे, हम तो कुछ नहीं मना सकते, हमारी तो ज़िंदगी मतलब रास्ते पे आ गई है। नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार है, रास्ते पे भटक रहे, तो खुशियाँ मनाओ तुम ही, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे को मुबारक। हम यहाँ पे रोए हमारे जॉब के लिए, हम सब क्वालिफाई होने के लिए रोते हैं। देश की खुशी तो वो होती है ना जिसमें सरकार भी खुश हो और देश की आम जनता भी खुश हो, लेकिन देश की आम जनता नहीं खुश है, देश की बेटी नहीं खुश है। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मैम, सरकार तो खुश है ना, क्योंकि उनका राज अभी चल रहा है। मोदी जी ने तो अपना सब मतलब अपना काम तो सबसे निकलवा लिया है। उनका चुनाव हो जाएगा तो वो फिर से मतलब दोबारा कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो कुछ हो जाएंगे बड़े, लेकिन हमारे वैसा नहीं है ना। हम धूप में ऐसे भटक रहे पागलों की तरह, क्योंकि बस एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे। इसमें हमारा स्वार्थ कुछ नहीं है मैम, बस हम इतना देश के लिए कुछ ना करना चाहते बस। अभी सोचो अगर ज्वाइनिंग मिल भी जाए तो इसमें हमारी खुशी क्या है, अगर बॉर्डर ड्यूटी लग गई। इसमें तो देश की खुशी होनी चाहिए ना, देश की जनता की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जनता का आप यहाँ पर रक्षा करेंगे। हाँ तो रक्षा हम करेंगे ना, मरेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे फैमिली वालों को ये लोग पैसे देंगे, उनका मुँह बंद कर देंगे, बाकी मिट गए ना। लेकिन ऐसा मतलब कोई सरकार ये नहीं सोचता है कि चलो बाबा हमारे पास इतने मतलब सोल्जर्स है, इतना मतलब फौज है हमारे पास, तो ये फौज और प्रबल करके आगे मतलब युद्ध की तैयारी की जाए। जो मतलब नक्सलियों का संख्या ज़्यादा नहीं है जितना इंडियन आर्मी का, मतलब कहीं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बना रखा है नक्सलवाद? वैसा ही है ना मैम, ये तो मिली भगत है, सब सरकार की मिली भगत है, बस अपना नाम बड़ा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। चलिए आप बताइए कि धूप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अप्रैल का महीना भी शुरू हो गया है, 5 दिन हो गए हैं, धूप और ज़्यादा बढ़ेगी, आगे जाके कैसे रहेंगे, कैसे समय व्यतीत होगा, क्योंकि अब दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे। सर्दी में तो जैसे तैसे इंसान रह लेता है, लेकिन गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है मैम। तैसे भी हम 2 महीने से इधर उधर भटक रहे तो गर्मी से कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम 2 महीने हो गए उस मतलब हमारा दर्द कोई सुन नहीं रहा, हमने बहुत कुछ ट्राई किया है लेकिन कोई भी रिप्लाई हमें सरकार की तरफ नहीं आता। तो इस धूप से हम क्या डरेंगे, नहीं डरेंगे। जब तक हमारी सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तब तक हम कहाँ नहीं जाएंगे, बस यही रुकेंगे। तो सुना आपने किस तरह से SSC GD कांस्टेबल 2018 जिसे NewsWorld India पिछले 2 महीने से कवर कर रहा है, इनका अब भी यही कहना है कि हमारा मनोबल नहीं टूटा है ना कभी टूटेगा, क्योंकि हम जो हैं पूरी तरह से सशक्त होकर मजबूत होकर आए हैं, क्योंकि देश की रक्षा हमें करनी है तो हम उसके लिए तैयार होकर आए हैं। लेकिन सरकार हमें वजह नहीं दे रही है, हमें नौकरी नहीं दे रही है, हमें वर्दी नहीं दे रही है, जिस वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार चाहे जितना भी टाइम ले ले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कैमरा पर्सन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़ वर्ल्ड। Yeah.